बिहार को हम पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार देना चाहते हैं और बिहार में राजनीति और देश में राजनीति मुद्दे पर हो, इन्हीं मुद्दों पर हो, इसमें पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई की बात हो, ऐसा कहने वाले विपक्ष के चेहरा जब थे तब और 2020 के विधानसभा चुनाव में हल्ला करते फिरे तेजस्वी यादव जी, कहाँ खो गए हैं? क्या हो गया है आपको? बड़ी उम्मीदें थी आपसे, लेकिन पेपर लीक हो गया है। 23 तारीख को और 24 तारीख को तीनों शिफ्ट में आप बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। उस समय पावर नहीं था तो बहुत फड़फड़ा रहे थे, आज तो आपके पास पावर भी है। जब आप छात्रों को न्याय दे सकते हैं, युवाओं को पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार दे सकते हैं, ऐसे वक्त में आप ना जाने किस कोना में जा करके दारू पी करके सो गए हैं। कहे कि आपके आपी के एक MLC ने कहा तेजस्वी भी दारू पीता है, तो हो सकता है कि आपका अभी हैंगओवर उतरा नहीं है और आप BSSC के क्वेश्चन लीक होने के मामले से बेखबर हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार जो देने का वादा किया था, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि बिहार के युवाओं की तबाही, बिहार के युवाओं की खिंचाई, बिहार के युवाओं की खिंचाई और बिहार के युवाओं की हर तरह से बर्बादी करने की का काम अभी सरकार कर रही है, और यही खिंचाई, तबाही, घिसाई और बर्बादी वाली सरकार आप देना चाहते थे। क्या हो गया कुर्सी पर जा कर के बैठ जाने के बाद? इससे अच्छे तो आप जिसको गलियाते फिरते हैं नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम एक पटना में आंदोलन हुआ, इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, छिटपुट कुछ जगहों पर आंदोलन हुआ, तो कम से कम वो तो सुन गए थे, और ग्रुप डी में दूसरी परीक्षा को टाल दिया और NTPC में रिवाइज्ड रिजल्ट भी दे दिया था, यानी विद्यार्थियों की मांग को मांग लिया था। तो जिसको आप गलियाते फिरते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, उसके बाद दूसरे को गलियाते फिरिएगा। हालांकि हम दूसरे पक्ष को, मोदी जी को बहुत साफ सुथरे नहीं कह रहे हैं, हम तो तेजस्वी जी के ही समर्थक हुआ करते थे, लेकिन जो हालत है ये देख करके हमको नहीं लगता है कि बिहार के बहुत ज़्यादा, बिहार के नौजवान जो कुछ दिन पहले 23 तारीख से पहले आपका गुणगान कर रहे थे, हर बात में तेजस्वी तेजस्वी का जयकार लगा रहे थे, वो मुझे नहीं लगता है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, आप सामने आकर के, अभी भी समय है, आकर के अगर सामने बयान नहीं देते हैं तो ये युवा इसी तरह से आपकी तारीफ करते रहेंगे, ये न हो करके, बल्कि ये युवा आपकी खिंचाई कर देंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी दवाई, आपकी कमाई और आपकी सिंचाई आप ही में समाहित करके आपको बेरोजगार कर देंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या होता है एक बेरोजगार का दर्द। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अगर आप अभी भी लोक लाज बचा हुआ है, थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है, जो आप नीतीश कुमार जी को विपक्ष में रह करके कहते थे कि नीतीश जी में नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दे, उसी तरह अगर आप में नैतिकता है, हम इस्तीफा तो नहीं कहेंगे, आप सामने आकर के एक बयान दे दीजिए और छात्र हित में जो उचित है, बेरोजगारों के हित में, बिहार के युवाओं के हित में जो कदम हो वह जरूर उठा लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस लालू के लाल और नीतीश के बिहार में सुशासन की सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और उनको जो उनकी जो लोक लाज खत्म हो चुकी है, शायद वो सुन करके जागृत हो और वो BSSC के परीक्षार्थियों के हक में कोई निर्णय दे दे। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।